हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ तेज और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी छोटी सी सेटिंग बताऊंगा जिससे आप अपनी सेटिंग को करके आप अपने नॉर्मल जो थंबनेल है उसको एक क्रिएटिव तरीके से उसको एडिट करके आप ब्राइट और अच्छा लुक दे सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे जो ऐसे क्रिएटर हैं वो ज़्यादातर अपने इस जो क्रिएटिव माइंड है उनका उसको कम यूज़ करते हैं और जैसा वो थंबनेल बनाते हैं उसको वैसा ही उसको वहाँ पर लगा के उसको अपलोड कर देते हैं वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी छोटी सी सेटिंग बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके अपने जो नॉर्मल थंबनेल है उसको अच्छे तरीके से क्रिएटिव तरीके से एक ब्राइट और अच्छे लुक में आप ला सकते हो। तो गाइस, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही नॉलेजबल होने वाला है। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए मैंने अपना एक थंबनेल बनाया था और थंबनेल देखिए नॉर्मल, इसमें कोई सेटिंग नहीं की। अब इसको हम क्रिएटिव तरीके से कैसे इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके, थोड़ी सी कलर की एडजस्टमेंट करके हम इसको कितना ज़्यादा ब्राइट और अच्छा बना सकते हैं। अगर आप अपने हर थंबनेल को ऐसे एडिट करके आप क्रिएटिव तरीके से थोड़ा सा अपना जो माइंड यूज़ करोगे तो आपका जो थंबनेल है एक नए लुक में आएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस, सबसे पहले जैसे हम हर फोन में सेटिंग होती है पिक्चर को एडिट करने की, तो हमने पिक्चर को एडिट करना है, वहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शनें होती है जैसे ब्राइटनेस की, कंट्रास्ट की, सैचुरेशन की। तो हमने सबसे पहले हमने यहाँ पे जो इसका कलर है उसका जो ब्राइटनेस है उसको हमने थोड़ा बहुत हमने चेंज करनी है। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फोटो का लुक धीरे धीरे जैसे हम चेंज कर रहे हैं वो भी चेंज हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे ब्राइटनेस में जाएंगे, ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। उसके बाद हम जाएंगे सैचुरेशन पे, सैचुरेशन को थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ किया है। उसके बाद अगर आप कुछ और भी जैसे चेंज करना चाहते हो, जैसे वाइब्रेशन है, कलर है, उस पर आप थोड़ा सा कर सकते हो। ये देखिए, जो पहले वाला था और अब वाला है उसमें कितना ज़्यादा फर्क आ गया है और अब ये कितना ज़्यादा कूल और अच्छा लग रहा है। तो गाइस, देखा आपने, एक छोटी सी सेटिंग करके आप अपने नॉर्मल जो थंबनेल है उसको एक अच्छे तरीके से एक नए लुक में और एक ब्राइट लुक में ला सकते हो जिससे आपका जो थंबनेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि आपको पता ही है, एक थंबनेल को देख के ही जो व्यूअर है उसको वीडियो को क्लिक करता है, उसको देखने का मन बनाता है। तो आपका थंबनेल अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी सी सेटिंग से आप इसको बहुत ही अच्छे लुक में ला सकते हो कलर वगैरह चेंज करके। क्योंकि एक डल वॉलपेपर, जो डल थंबनेल होगा वो देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा और एक ब्राइट जो थंबनेल होगा, जो अच्छा वाइब्रेंट उसका फ्रेश कलर होगा, वो देखने में भी अच्छा लगेगा और देखने वाला उसको क्लिक ज़रूर करेगा। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और आप बताइए आपको ये जो मेरी जो ट्रिक है, जो मेरी जो टिप्स है, आपको कैसी लगी। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशनल और टेक से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।